आज पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिसमें जूडो, राष्ट्रीय खिलाड़ी आत्मरक्षा के बारे में भी सिखाया गया। आप उत्तर प्रदेश की जगह हापुड़, कन्नौज, बुलंदशहर, नोएडा से लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है डीके किशोर भाई। किशोर भाई जी, आपकी संस्था का क्या नाम है? इस संस्था का नाम है प्रजापिता विश्वविद्यालय, जिसका मुख्यालय माउंट आबू राजस्थान में है जी। और ये संस्था 140 देशों में अपनी निस्वार्थ सेवा देती है जी। इस संस्था में खासकर हर एक व्यक्ति को नशा मुक्त बनाया जाता है, स्वस्थ बनाया जाता है, निरोगी बनाया जाता है, मानव से देव बनाने की इसमें शिक्षा दी जाती है। इसमें एक घंटे का समय आपको दिया जाता है, सुबह 7 बजे से लेकर, जो लोग आते हैं अपने जीवन को स्वस्थ, निरोगी और स्पेशल बनाते हैं। तो सर, आप ये बताइए, आपकी संस्था को कितने दिन से हो गए? ये अनूप शहर में जो संस्था खुली है, इसको 12 साल हो गए और यहाँ पे परमानेंट रेगुलर चल रही है। आपके घाट माता की मंदिर की ऐसी संस्था है। तो सर, आप ये बताइए, जैसे उप डाकघर अनूप शहर में अंतर्राष्ट्रीय दिवस योग पर आपने योग दिवस कराया है, जैसे पैरालिसिस हो जाती है, समय में कोई एक विषय संयुक्त राष्ट्र संघ ने पूरे बहुमत के साथ 21 जून को योग दिवस विश्व योग दिवस मनाने का प्रस्ताव पास किया और ये विषय हम सबके लिए बहुत ही गर्व का है कि आज पूरे विश्व में योग को एक विशेष मान्यता मिल रही है। भारत की प्राचीन प्रथा हम सबके स्वास्थ्य के लिए, हम सबके मन के लिए बहुत ही लाभदायक है। ऐसे विषय को हम सबके नायक आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने विश्व स्तर पर पहुंचा दिया, उसके लिए हम सब उनका आग्रह से आभार प्रकट करते हैं, उनको साधुवाद देते हैं। मैं एक बार फिर आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। आज आप सभी यहाँ पर योग के लिए इकट्ठा हुए, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। एक संकल्प है, मैं चाहता हूँ हम सब लोग वो संकल्प लें